1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो मेरे पास है यहाँ 8 बॉक्सेस फ्रॉम नायका. हे यू गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल हैशटैग नीतू श्री. होप यू ऑल आर डूइंग गुड. तो गाइज, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट मेकअप, मेकअप के प्रोडक्ट्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि मैंने अभी अभी मंगाए हैं नायका पिंक फ्राइडे सेल से. जी हाँ, रिसेंटली नायका पे आई थी पिंक फ्राइडे सेल, जिसमें ह्यूज डिस्काउंट्स थे. अप टू 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा था जो लक्स ब्रांड्स हैं, जो हाई एंड ब्रांड्स हैं, उन सब पर. अभी आपको मैंने दिखाए थे मेरे पास कितने सारे बॉक्सेस हैं आपको दिखाने के लिए. इनको मैं अनबॉक्स करूँगी आपके सामने. ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो. तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स क्विकली डाइव इन द वीडियो. तो गाइज, एज यू ऑल नो, अगर आप नायका से परचेजिंग करते हो तो आपको पता होगा कि नायका पे साल में 2 बार ह्यूज सेल आती है. ये वाली एक आती है समर्स में हॉट पिंक सेल करके, और दूसरी आती है विंटर्स में जो होती है नायका पिंक फ्राइडे सेल. और ये स्टार्ट हुई थी 22nd of November से आई थिंक 30th December तक ये थी. हाँ, मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है ये. मैं थोड़ा अपने काम में बिज़ी थी. इस टाइम सीज़न चल रहा है ब्राइडल सीज़न, तो मैं अपने मेकअप में बिज़ी थी और कुछ प्रोडक्ट्स मेरे आए नहीं थे. मुझे कल ही लास्ट बॉक्स रिसीव हुआ और आज मैंने ये शूट करना स्टार्ट कर दिया. तो ये बॉक्स है इस तरह से, इसमें सामान भरा हुआ है. अब मैं आपको 1 by 1 करके दिखाती हूँ कि आउच, मैं वीडियो बनाऊँ और कुछ गिरे ना, ये तो हो नहीं सकता. तो सबसे पहले मेरे पास हैं के ब्यूटी के कुछ प्रोडक्ट्स, जिसमें कि आपको 25% तक का डिस्काउंट मिल रहा था और मैंने कुछ चीज़ें वहाँ से मंगाई और मुझे उसमें एक फ्रीबी भी मिला है. सबसे पहले तो ये है आई शेडो पैलेट फ्रॉम के ब्यूटी. इसका नाम है केयरफ्री और इसमें काफ़ी वर्सटाइल, मतलब बिल्कुल डिफरेंट शेड्स हैं. कॉमन वाले नहीं हैं. मेरे पास बहुत सारे आई शेडो पैलेट्स हैं और मैं चाहती थी कुछ ब्लूज एंड ग्रीन्स, तो उस टाइप के शेड्स हैं इसमें. सबसे पहले तो जब मैं कुछ भी ये इस टाइप का ओपन करती हूँ तो मैं प्रे करती हूँ कि प्लीज़ सब कुछ इंटैक्ट हो, कुछ टूटा फूटा ना हो, क्योंकि नायका पर एक्सचेंज करना या रिफ़ंड करना बहुत प्रॉब्लम वाली बात होती है. लास्ट मंथ मैंने एक हुरा ब्यूटी का ब्लश स्टिक मंगाया था जो पूरा डैमेज था, टूटा था, और मेरा वो एक्सचेंज या रिफ़ंड नहीं हो पाया. मेरे पूरे पैसे उसमें चले गए. आई थिंक 2000 से अबव का प्रोडक्ट था वो और मेरा बहुत अच्छा नुकसान हुआ था. तो आई होप फॉर द बेस्ट कि ये पैलेट अंदर से टूटी ना हो. तो ये इस तरह से पैकेजिंग है. और उसके बाद पहले तो ये बॉक्स था, फिर ये है, और इसके अंदर से इस तरह से स्लाइड करके ये निकलता है. टच वुड. ओ ठीक है ठीक है ठीक है. इस पे एक ये शील्ड है और दी ज़्यादा कलर्स. मुझे ये कलर्स चाहिए थे, इसमें ग्रीन है, ब्लू है, ये हॉट पिंक है, येलो है, और एक शिमरी शेड. शॉर्ट बना के इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी, तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड लुक एट द कलर पिगमेंटेशन. के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और मुझे कोई इससे शिकायत नहीं है. दिस वन इज़ द ग्लिटर वाला ये कलर है. ये पिंकी ग्लिटर्स हैं इसमें एंड बहुत अच्छा है. एंड दीज आर द अदर कलर्स. पैलेट पे मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला था. इसका MRP तो आई थिंक 1200 है, बट मुझे 800 something में मिली थी. आपको स्क्रीन पे मेरे प्राइसेस दिखते रहेंगे. और एक चीज़ और मैं कह दूँ, मेरा ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है. मैंने खुद ही सारी चीज़ें मंगाई हैं. मैं काफ़ी दिन से वेट कर रही थी सेल का. मूविंग ऑन, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है वो है ये के ब्यूटी का हाइड्रेटिंग लिप ऑयल. तो ये भी न्यू लॉन्च है और मैंने इसको भी कार्ट में डाल के रखा हुआ था. इस पर भी मुझे कुछ डिस्काउंट मिल गया है. ये इस तरह की कुछ बॉटल है. आजकल लिप ऑयल्स का बहुत ट्रेंड आ चुका है और सारी ही ब्रांड्स अपने अपने लिप ऑयल लॉन्च कर रही हैं. तो के ब्यूटी के, क्योंकि मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स थे तो मैंने सोचा मैं ये भी ले कर देखूँ. और स्मेलिंग सो फ्रूटी, और मैं देखती हूँ इसको ट्राई करके. तो काफ़ी रिफ्रेशिंग एंड हाइड्रेटिंग लग रहा है ये. बाकी मैं इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करूँगी तभी इसका आपको फीडबैक दे पाऊँ. मैंने इससे पहले कोई लिप ऑयल यूज़ नहीं किया है तो मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है. लिप ग्लॉस जैसा ही लग रहा है.
गाइस, ये मेरा सलोन है और आपको थोड़ी सी मर्मरिंग की आवाज़ आ रही होगी, लाइक धीरे धीरे बोलने की, क्योंकि सामने काम चल रहा है तो वो लोग बात कर रही थी धीरे धीरे से। और बाकी मेरा बाहर एकदम रोड है तो सारी व्हीकल्स यहीं से हॉर्न बजाते हुए निकल जाते हैं, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। तो गाइस, जब मैंने ये दो प्रोडक्ट्स के ब्यूटी के मंगाए तो मुझे एक ये लिपस्टिक फ्री में मिली है, के ब्यूटी की मैट ड्रामा मैट लिपस्टिक, और मेरा शेड इसमें बैकस्टेज, और दिस इज़ ऑल्सो एनरिच्ड विद ग्रेप सीड ऑयल प्लस रेड रेसबेरी। लिपस्टिक्स तो ये बहुत अच्छी होती है, इनका प्राइस भी बहुत कॉस्टली है, 1000 की हैं आई थिंक ये MRP पे, और मुझे तो ये फ्री में मिली है। लेट्स सी कि शेड क्या है। ये काफ़ी अच्छी मैग्नेटिक बुलेट लिपस्टिक्स होती हैं और मुझे बुलेट लिपस्टिक्स बहुत पसंद हैं इन कंपेयर टू लिक्विड लिपस्टिक्स। मुझे बुलेट लिपस्टिक्स ही अच्छी लगती हैं। वाह, बहुत ही प्यारा शेड है, आई लव दिस शेड। दिस इज़ द पीची पिंकी टोन का ये शेड है। मैंने इतना सारा ग्लॉस लगा लिया, मैंने लगा के दिखाती है आपको। आई एम लविंग दिस शेड, थैंक यू के ब्यूटी। ये लिपस्टिक्स मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास एक दो और भी शेड्स हैं और मैं इनको रेगुलरली यूज़ करती हूँ, और ये वाला शेड नहीं था मेरे पास एंड आई एम लविंग इट। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे हाथ में है वो है माइसिलम वाटर, जो कि बहुत काम लगता है हमारे सलोन में, क्योंकि मेकअप छुड़ाने के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। गार्नियर माइसिला क्लिनजिंग वाटर ऑल इन वन, इवन फॉर सेंसिटिव स्किन, क्लिनजेस स्मूदर्स रिमूव्स मेकअप, और काफ़ी अच्छा होता है, आई नो दिस। इसका दूसरा वेरिएंट भी बहुत अच्छा लगता है, जिस जो ऑयल इन्फ्यूज होता है येलो कैप वाला, बट इस टाइम मैंने ये वाला ही मंगाया है क्योंकि वो था मेरे पास। एंड ये ह्यूज बॉटल भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिली है मुझे, काफ़ी दिन चल जाता है। तो ऐसा लीकेज हो गया आई थिंक इसमें। ये प्रोडक्ट जो मेरे इस बॉक्स में निकला है वो ये मार्स का डबल ट्रबल मस्कारा लेंथ एंड वॉल्यूम। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छी बातें सुनी थी एक दो यूट्यूबर्स से, क्योंकि मैं मेकअप की वीडियोस बहुत देखती हूँ। मैंने बहुत सारे नायका हॉल नायका रिकमेंडेशन देखा, उसमें मैंने किसी को देखा था और मैंने तुरंत इसको भी ऑर्डर किया। काफ़ी बजट फ्रेंडली है यार, इसका MRP है 279 रुपीज़ ओनली, और उसके बाद भी ये मुझे कुछ डिस्काउंट पे मिला है। वो मैंने आज कोई मस्कारा भी नहीं लगाया था, मुझे इसको ट्राई करना था, इसलिए मैंने वही बॉक्स पहले ढूंढा जिसमें ये वाला मस्कारा था, ताकि मैं आपको ट्राई करके दिखा सकूँ और खुद भी देख सकूँ कि इसका क्या हाइप है, मतलब क्यों लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये बहुत अच्छी लग्जरी पैकेजिंग में है, ये स्टील की पूरी है और इसमें ये ब्लू कलर का रॉयल ब्लू कलर का ये बीच में दिया है। तो ये सेम है कलर बार का वूश एंड जूम एंड वूश मस्कारा के जैसा, उसमें भी ये दो वॉन्स मिलते हैं, किधर से खुलता है किधर से। तो इसमें लिखा है ये नंबर वन है ये नंबर टू है। पहला है लेंथ के लिए, तो मैं देखती हूँ अपनी लेंस पे काम करके लैशेस की। सो ये इस तरीके का कुछ वॉन्ड है इसमें, कैन यू सी द डिफरेंस। अभी मैंने सिर्फ ऊपर का वॉन्ड खोला और ये सिंगल लेयर मैंने लगाई है। अब मैं खोलती हूँ सेकेंड वाला वॉन्ड, दिस ब्लू वन, फिर मैं देखती हूँ अब ये क्या मैजिक करेगा। ओके, ये पूरा फ्लेक्सिबल है, दिस इज फ्लेक्सिबल। माय गुडनेस, OMG, मेरी लैशेस अलग लेवल पे चली गई हैं गाइस। ओ माय गॉड, सो प्रिटी। I am loving it totally. Look, can you see the difference? और अभी अगर एक आध कोट और लगा दूं तो और भी ज्यादा हो जाएगा। इतने कम प्राइस में इतना अच्छा मस्कारा, आई एम लविंग इट। इसका नाम है डबल ट्रबल मस्कारा, आई हाईली रिकमेंड दिस मस्कारा। तो नायका पे एक और ब्रांड जल्दी ही लॉन्च हुई है लमेल, उसके भी प्रोडक्ट्स काफ़ी लोग चर्चा में ला रहे हैं, मतलब काफ़ी बातें करते हैं, काफ़ी बजट फ्रेंडली भी प्रोडक्ट्स हैं उसके। जिसका कि एक ये ब्लू कलर का लाइनर मैं पहले मंगा चुकी हूँ और काफ़ी अच्छा है, मैंने ये आज लगा के रखा है, बहुत ईजिली ग्लाइड हो जाता है।
और इसमें बहुत सारे शेड्स हैं और भी. दिस इज़ ओ माई कलर जेल लाइनर फ्रॉम लमेल. एक नंबर लिखा है 401, शायद यही इसका शेड होगा. ये ब्लू कलर का है और इसमें और भी कलर्स हैं. हॉट पिंक है, ऑरेंज है, येलो है, आप जो लेना चाहो ले लो. काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी रीजनेबल है. तो ये मैंने पिंक सेल से नहीं मंगाया, मैंने पहले से मंगा के रखा था. पिंक सेल से मैंने ये ग्लिटर बॉम मंगाया है बाय लमेल और मेरा कलर है इसमें गोल्डन. इसमें और भी एक सिल्वर वाला भी था लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक था तो मैंने ये गोल्डन. तो बहुत मुश्किलों के बाद मैंने इसको खोल लिया है. आई हैव ओपन दिस छोटू सा ट्यूब और इसमें इस तरह से इसको खोलते हैं और देखते हैं. अच्छा, एक और भी अभी लगा हुआ है, इसको भी खोलना पड़ेगा. OMG, एक्चुअली मेरे नेल्स हैं तो मुझे थोड़ी खुल गया. ओके, खोलते ही ये खुद ही वापस बाहर आने लगा. ये मतलब ऑलरेडी इसमें ग्लू एडेड है एंड इसमें मोटे ग्लिटर्स, फाइन ग्लिटर्स सारे ही एडेड हैं. तो इसको आपको इस तरह से लगाना है विदाउट एनी ग्लिटर ग्लू एंड नथिंग. आपको कुछ नीड नहीं है, बस सीधे आपको अप्लाई करना. आप चाहो तो अपने आईज पर लगा लो, आप नेक पर लगा लो, हेयर में लगा लो, एनी वेयर. मैंने बहुत हल्के से लगाया, बहुत सुंदर ग्लिटर्स हैं. अगर मेरा कैमरा, मेरे मोबाइल का कैमरा कैच कर पा रहा हो तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आईज पर लगाने के बाद. ऑल राइट, एक डब्बा मेरा खाली हो चुका है तो चलिए अब देखते हैं मेरे नेक्स्ट बॉक्स में क्या क्या निकलता है. ये है मेरा नेक्स्ट बॉक्स. तो इसमें ज़्यादातर मेरे प्रोडक्ट हैं स्विस ब्यूटी इनसाइट एंड यस इनसाइट कॉस्मेटिक्स एंड स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं इसमें मेरे पास. इस हमारी इंडस्ट्री में, मेकअप इंडस्ट्री में अभी कुछ ब्रांड्स आए हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है उनकी, जैसे कि मार्स कॉस्मेटिक्स, स्विस ब्यूटी एंड इनसाइट कॉस्मेटिक्स. ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप बिगनर हो, आप अपना, आपकी शादी है और आप एक अपना वैनिटी बनाना चाहते हो तो आप आंखें बंद करके स्विस ब्यूटी, इनसाइट कॉस्मेटिक्स और मार्स के प्रोडक्ट्स ले लो. कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइक जैसे स्विस ब्यूटी में कुछ एक आध चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ इनसाइट में बहुत अच्छे हैं. अगर आप देखना चाहते हो वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो मैं 21 मेकअप वीडियोस बना चुकी हूँ, वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल्स, मतलब 21 ब्रांड्स के मैं बना चुकी हूँ. अगर आप देखना चाहते हैं स्विस ब्यूटी, मार्स या इनसाइट का, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मैं ज़रूर उस पर भी बनाऊँगी और आपको बता दूँगी कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कौन से नहीं अच्छे हैं, क्या आपको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए. तो चलिए मैं दिखाती हूँ फिर आज मैंने क्या क्या मंगाया है. यहाँ प्रोडक्ट है मेरा इनसाइट कॉस्मेटिक्स का, ये स्मज फ्री आईब्रो पेंसिल और मेरा शेड है इसमें डार्क ग्रे. तो मैं आईब्रो पेंसिल्स बहुत लाइक करती हूँ जो अच्छी क्वालिटी की हों, फाइन टिप वाली हों, मुझे अच्छी लगती हैं. तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको भी एक शॉट देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की इनकी तो मुझे अच्छी लगी. एक तरफ स्पूली है, एक तरफ आपको पेंसिल मिल जाती है, रिट्रैक्टेबल पेंसिल, और इसमें इस तरीके का एक अंदर पेंसिल निकलती है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है. और दिस इज़ द शेड जैसे कि होनी चाहिए आईब्रो के लिए, कलर परफेक्ट है और मैं इसे यूज़ करूँगी. पिगमेंटेड तो लग रहा है मुझे काफ़ी, बहुत अच्छे से ग्लाइड हो रहा है और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होना भी नहीं चाहिए आईब्रोज़ के लिए प्रोडक्ट, क्योंकि वरना फिर वो आर्टिफिशियल लगने लगती हैं. तो मैं यूज़ करूँगी इसको, फिर मैं बताऊँगी आपको ये कैसा है. नेक्स्ट मैंने दो नेल पॉलिशेस मंगाई हैं इनसाइट कॉस्मेटिक्स की, काफ़ी बजट फ्रेंडली यार, 50-60 रुपीस में इतनी सस्ती मिल रही थी ये. तो मैंने, क्योंकि मेरे पास कुछ कलर्स नहीं थे, लाइक ये ग्रीन कलर है एक और ये भी ग्रीन का ही होगा आई थिंक, यस ये वाला भी पेस्टल शेड है और यस ये मैंने इनसाइट के मंगाए हैं. कॉस्मेटिक्स के लिप लाइनर्स भी बहुत अच्छे हैं गाइस, आई थिंक मैंने वो भी मंगाए हैं या मेरे दूसरे बॉक्स में है, मुझे इस बॉक्स में तो नहीं मिले. अब मैं आपको दिखाती हूँ स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स. तो गाइस ये इसमें एक पेंसिल है, आईब्रो पेंसिल, ये भी है माइक्रो प्रिसिशन आईब्रो पेंसिल फ्रॉम स्विस ब्यूटी. इसमें 4 नंबर ग्रे ब्लैक और मैं ऑलरेडी एक इसको यूज़ कर रही हूँ. ये मैंने एक और बैकअप मंगा लिया है क्योंकि मुझे इतनी पसंद आई. पहले तो इसकी पैकेजिंग देखिए यार, लग्जरी पैकेजिंग है इसकी, काफ़ी हैवी है ये, कोई हल्की फुल्की नहीं है, पूरा गोल्डन है. एक तरफ स्पूली मिल जाएगी आपको, एक तरफ आपको रिट्रैक्टेबल फाइन टिप की पेंसिल मिल जाएगी एकदम जैसे कि बेनिफिट की होती हैं.
और बहुत अच्छी है। मैं इसको आज मैंने यही यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छा पिगमेंटेड पेंसिल है ये, और काफ़ी अच्छे से आप इससे एक सिंगल सिंगल अपना आईब्रो भी क्रिएट कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने एक बैकअप मंगा के रख लिया है कि मेरी ख़त्म हो जाए तो मैं उसको यूज़ करूँगी। तो क्योंकि पिंक फ्राइडे सेल में मुझे डिस्काउंट भी मिल रहा था, इस पर कुछ ऑफर्स भी मिल रहे थे, इसलिए मंगाया है एक स्विस ब्यूटी का प्रो आईलैश ग्लू। तो ये मैं पहले से यूज़ करी थी, मेरा ख़त्म होने वाला था तो मैंने इसका भी एक बैकअप मंगा लिया है और काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है और आईलैश ग्लू है। और एक बार आप फिक्स कर दो तो आपकी आईलैशेस निकलती नहीं है। मैंने वाइट वेरिएंट लिया है इसमें, आई थिंक इसमें शायद डार्क वाला भी आता है या नहीं आता है, आई एम नॉट श्योर। इसे ट्रांसपेरेंट होता है, ना वाइट है ना ब्लैक है, ये एकदम ट्रांसपेरेंट है, इसका कोई कलर नहीं है, तो ये अच्छी रहती हैं आईलैशेस लगाने के लिए। ब्लैक मैं नहीं प्रिफर करती हूँ क्योंकि अगर आपका कहीं भी इधर टच हुआ तो वो कलर छोड़ देता है, बट ट्रांसपेरेंट या वाइट वाले जो होते हैं ये अच्छे होते हैं, वाइट वाला भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। नेक्स्ट अप मेरे पास है ये ऑल अबाउट लिप्स स्विस ब्यूटी मैट लिपस्टिक्स, लिप पैलेट है ये, इसमें बहुत ही प्यारे रेड पिंक सारे शेड्स हैं। वैसे मैं एक मार्स की यूज़ करती हूँ, उसमें बहुत अच्छे अच्छे शेड्स हैं, लेकिन इसमें मुझे रेड एंड पिंक की बहुत डार्क वाली कलर्स फैमिली मिल रही थी तो मैंने एक ये मंगाई है और मैं इसको यूज़ करूँगी, फिर मैं बताऊँगी ये कैसे हैं। अभी तो ये क्रीमी लग रही है, मैं लगा के रखती हूँ थोड़ी देर, फिर मैं देखती हूँ ये मैट बन जाएगी कि नहीं। तो मैंने एक शेड स्वॉच किया है, नई पैलेट ख़राब करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, और ये मरून शेड है, बहुत ही प्यारे शेड्स बहुत अच्छे थे इसलिए मैंने ये पैलेट ऑर्डर कर दी। और इसमें दो आते हैं, ये मेरा 02 सेकेंड नंबर की पैलेट है, एक इसमें 1 नंबर भी आता है। यस, इतना स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट लेने के बाद मुझे एक फ्री मिला है और डिस्काउंट भी मिला है, फ्री भी तो फ्री भी होता है यार। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरे पास हैं दो लग्जरी प्रोडक्ट्स के डब्बे, ये ब्लैक वाले, तो मैं छोटू वाला पहले खोलने जा रही हूँ, इसमें क्या है। ओके, तो इसमें है एक पिक्सी का ब्लश। मेरे साथ एक बुरा एक्सपीरियंस भी हुआ था, हुडा ब्यूटी के ब्लश स्टिक मेरे पास टूटा हुआ आया था तो मुझे बहुत डर लग रहा था लेने में कि फिर से तो मेरे पैसे इतने लग ना जाएं, और अभी मैंने खोला नहीं है, डर लग रहा था, नहीं डर लग रहा है, अब देखती हूँ कि अंदर से कैसा है, बस क्रॉस माई फिंगर्स और तब मैं खोलूँ। ये है पिक्सी बाय पेट्रा ऑन द ग्लो ब्लश स्टिक और मेरा शेड है इसमें फ्लेयर, तो ये लाइट वाला पिंक वाला शेड मैंने मंगाया था, तो इस तरह का है ये। ये भी काफ़ी प्राइसियर है और मुझे डिस्काउंट के बाद आई थिंक 1300 या 1400 में मिला है। तो इसके ऊपर एक ये है, मैंने ख़राब कर लिया, ओके गलत स्टाइल से खोला, मुझे मालूम नहीं था कहाँ से खुलेगा और मैंने गलत तरीके से खींच दिया, और ये ऐसे करके राउंड होता है, रिट्रैक्टेबल मतलब ऊपर आ जाता है, और ये इसके ऊपर एक कवर भी था और ये थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया और इसको मैंने देखा है लोगों को लगाते हुए, चलिए मैं लगा के भी देख लेती हूँ। जब आप किसी चीज़ से डरो ना वो हो जाती है, मैंने देखा है, मैं डर रही थी टूटा ना निकले तो मैंने खुद ही तोड़ दिया। ओके, ये ऐसे लगाते हैं लोग, उसके बाद इसको हल्का सा ब्लेंड करना है फिंगर से ही, क्योंकि विंटर्स हैं, विंटर्स में बहुत अच्छा ये ग्लो भी प्रोवाइड कर देगा एकदम नेचुरल। और मैंने जैसे कि वीडियोस में देखा है लोगों को बात करते हुए कि ये फाउंडेशन को भी मूव नहीं करता है, मैंने तो आज कोई फाउंडेशन नहीं लगाया, मेरा सिर्फ कंसीलर लगा हुआ है फेस पर, और ये अच्छे से ऐसे करके ब्लेंड हो जाता है। वाओ, सो प्रिटी, मुझे इसमें दिख नहीं पा रहा था, मैंने मिरर में देखा, बहुत ही सुंदर लग रहा है, वाओ इट्स लुकिंग सो कूल, बहुत प्यारा लग रहा है यार, लुक एट माय चीक्स, लाइक ग्लास वाली शाइन आ रही है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसी टाइप का मेकअप भी पसंद है, ग्लॉसी ग्लोई, मुझे बिल्कुल भी मैट चीज़ें नहीं पसंद आती हैं, पसंद आया। अभी कितना लास्ट करेगा वो मुझे देखना है, डेली यूज़ करने के लिए विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है। मैं बहुत डर रही थी इसको लेने में, ऐसा ना हो मेरा पैसा वेस्ट हो जाए या कुछ, क्योंकि ना हर स्किन पे हर चीज़ नहीं अच्छी जाती है, समटाइम्स क्या होता है ना, आपको यूट्यूब पे कुछ बताते हैं लोग तो उनकी स्किन और हमारी सबकी अलग अलग है, मैं भी जो बताती हूँ हो सकता है आपकी स्किन पर वो वर्क ना करे, मुझे वही डर लग रहा था कि महंगी चीज़ है, और बी केयरफुल नीतू, बी केयरफुल। नाइस,
अच्छा लगा मुझे, थम्स अप टू दिस। और ये काफी हाइप्ड है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इसमें निकला है वो भी एक हाई एंड ब्रांड है, शार्लेट टिल्बरी, आप सबने सुना होगा। उसके भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं मेरे पास, उसका लिपस्टिक्स हैं शार्लेट टिल्बरी के मेरे पास, पर वो मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती। पता नहीं लोग इतना क्यों उसके बारे में बात करते हैं। पिलो टॉक इतना, एक तो लाइट शेड है उसका, मेरे को वो वॉश आउट कर देती है, और दूसरी चीज़ वो भी तो चलिए आप लिप लाइनर लगा के मैं उसको करेक्शन कर लेती हूँ, लेकिन वो ना लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है, इतनी महंगी यार मुझे नहीं पता। लेकिन अब एक और चीज़ बहुत मैं देख रही थी सबको बात करते हुए, वो है ये कॉम्पैक्ट, दिस इज़ एयरब्रश फ्लॉलेस फिनिश कॉम्प्लेक्शन परफेक्टिंग माइक्रो पाउडर, तो ये शेड है इसमें मेरा फेयर, तो इसके बारे में भी सारे लोग बात कर रहे थे, मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लूँ एक, क्योंकि मेरा दिल रह जाता। हाँ, एक चीज़ मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है, फ्लॉलेस फिल्टर, क्या है, हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर समथिंग, वो ग्लो के लिए यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा है, आप ज़रूर यूज़ करना। मतलब अगर आपको ग्लोई ग्लॉसी मेकअप चाहिए तो उसको आप पहले लगा लो, उसके बाद आप अपना मेकअप कर लो, और आप ऊपर से भी लगा सकते हो। अगर आपको नहीं नो मेकअप लुक भी चाहिए ना, आप सिर्फ उसको लगा लो, और आई थिंक ये पिक्सी वाला ब्लश लगा लो, यू आर गुड टू गो। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, वो भी मैंने मिनी साइज़ मंगाया था पहले और मुझे बहुत पसंद आया, पर अभी मेरा चल रहा है इसलिए मैंने बड़ा साइज़ नहीं ऑर्डर किया। मे बी नेक्स्ट पिंक फ्राइडे सेल या हॉट पिंक सेल में मैं मंगाऊँ उसको, वो मुझे बहुत पसंद है। उसका मुझे लिपस्टिक नहीं पसंद आई, और अब इसको मुझे ट्राई करना। ये भी मैंने मिनी साइज़ मंगाया है पहले कि मैं देख लूँ, अगर ये सच में अच्छा है तो मैं आगे ज़रूर चाहूँगी इसका बड़ा साइज़ भी मंगाना। ये इतना छोटू सा प्रोडक्ट है, आई थिंक ये था 2500 समथिंग का, और इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं था, मिनी साइजेस में कोई डिस्काउंट नहीं आता। अगर बड़ा वर्जन लेने पर अच्छा खासा डिस्काउंट था, आई थिंक 20% का शायद डिस्काउंट मिल रहा था, और काफ़ी लग्जरी पैकेजिंग है, बहुत सुंदर है, लेट मी ओपन इट। छोटू चीज़ है, खोलने में भी डर लग रहा है मुझे। ओ, पहली बात तो ये पूरा कॉम्पैक्ट, मतलब टूटा फूटा नहीं है, सबसे बड़ी बात, प्लस पॉइंट मुझे ग्लास मतलब मिरर भी है इसमें, और दिस इज़ द शेड, और मैंने फेयर मंगाया है, और मैं ज़रा सा ट्राई भी करके देख लेती हूँ, इसमें मिरर भी है, ये अच्छी बात है। अब इसमें क्या अच्छा है मुझे नहीं पता, बस मैंने सबको बात करते हुए सुना तो मैंने मंगा लिया, और जो मैक का मिनरलाइज्ड कॉम्पैक्ट आता ना, मिनरलाइज्ड स्किन फिनिश कॉम्पैक्ट, वो भी बहुत अच्छा होता है, मुझे तो वैसे ही लग रहा है ये। अब मुझे ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं दिख रहा है, या मैं एक दो ट्राई और करूँ इसको एक दो बार, तब मैं देखूँगी इसमें क्या डिफरेंस है, अभी तुरंत तुरंत मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यस, एक ये मेरा हाई एंड प्रोडक्ट, बहुत महंगा है यार। जो मेरे पास लग्जरी डब्बा है, देखते हैं उसमें क्या है, वैसे मुझे मालूम है। हाँ, यस आई नो दैट कि इसमें यही होने वाला है। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, सॉरी गाइस। तो इसमें है एम्पावर्ड, हुडा ब्यूटी की एम्पावर्ड पैलेट, आई शेडो पैलेट। तो गाइज, हुडा ब्यूटी ना हमेशा अपनी आई शेडो पैलेट्स में ना 50% का डिस्काउंट दे देता है, जब पिंक फ्राइडे सेल या ये वाली सेल्स आती हैं। ओ माय गॉड, बस तुम सही निकलना यार, बस तुम सही निकलना, टूटे फूटे ना निकलना, बस तुम टूटे फूटे ना निकलना। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। तो ये गोल्डन सा प्यारा सा एम्बोज सा इसका आउटर बॉक्स है, और अब इसको हम खोलेंगे अंदर से। एक तो ये खुलते नहीं है मुझसे जल्दी, और अंदर से धक 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 हो रही है मुझे। मेरे साथ एक बार ना PAC की मैंने 5000 की आई शैडो पैलेट मंगाई थी बहुत पहले, वो भी टूटी निकली थी, और ये मेरा ब्लश, दो बड़े वाले, छोटे छोटे तो बहुत कांड हो चुके हैं यार, लिपस्टिक तो हमेशा ही ख़राब निकलती हैं, पर महंगे प्रोडक्ट्स जब ख़राब निकल जाते हैं ना तो दिल टूट जाता है, कसम से दिल टूट जाता है। आप जानते होंगे मेरा दर्द, सारे मेकअप आर्टिस्ट या मेकअप लवर्स जानते होंगे मेरा दर्द वो कैसा होता है। तो ये इसकी इनर पैकेजिंग है, वाओ सो नाइस, और ये है इसके अंदर। क्या कोई भी शील्ड विल्ड नहीं दी इन्होंने यहाँ पे, मिरर तो बहुत बड़ा दिया हुआ है। खैर, कलर स्कीम बहुत अच्छी है, बट एक फिल्म तो देनी चाहिए थी एटलीस्ट, यहाँ पे कोई फिल्म नहीं है। लुक एट द कलर्स, वाओ सो वर्सेटाइल, स्मोकी आईज, न्यूड आईज, हर तरीके की आईज हम इससे कर सकते हैं, एंड लुक एट दीज ग्लिटर्स एंड गोल्डन शिमर्स, वाओ
Look how insane this is. My goodness. यार टू छूने से भी टूट रहे हैं ये तो, इतने ज्यादा सॉफ्ट हैं। मुझे लग रहा है मैं जल्दी से करूं आई पेम, लेकिन मेरे इतना ज्यादा लगा हुआ है, मैं कहाँ पे लगा लूँ उसको। ओ माय गॉड आई एम सो हैप्पी। यार मुझे मेकअप इतनी खुशियाँ क्यों देता है? वाओ, मुझे ना मेकअप देख के इतनी खुशी मिलती है यार। बोथ द ग्लिटर्स आर सो क्यूट, लाइक इसको लगाने के बाद कोई और, लाइक इसको लगाने के बाद कोई और ग्लिटर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। OMG, दीज आर सो पिगमेंटेड, सो शाइनी, बहुत अच्छे हैं। यानी कि मतलब एक तो ये इतनी सस्ते डिस्काउंट पे मिली, उसके बाद इतनी अच्छी पैलेट, हुडा ने तो आई शेडोज, इस पैलेट में दो क्रीमी शेड भी मिलेंगे, मतलब मिले हैं सॉरी, एक ब्लैक एक ब्राउन, जिससे कि आप लाइनर क्रिएट कर सकते हो, और एक ही कुछ जेल टाइप का शेडो है, मैं इसको टच करके ख़राब नहीं करना चाहती हूँ लेकिन मैं कर लूँ, वरना मैं आपको कैसे बताऊँगी। यस, इसमें बीच में जेल है और साइड में पाउडर है, आई थिंक इसको मिक्स करके ही लगाना होगा। बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर शेड्स हैं, बहुत ही सुंदर हैं, मतलब आप बहुत सारे तरीके की आईज इससे क्रिएट कर सकते हो। हाँ बस मुझे हुडा ब्यूटी से एक शिकायत करनी है, उनकी ना सारी ही पैलेट्स में अगर हम देखें ना तो सेम कलर फैमिली वो लगा देते हैं, थोड़ा बहुत 19 इधर इधर करके, और उनके सारी ही मुझे एक जैसी ही पैलेट्स दिखती हैं सारी, चाहे तो आप उनकी नॉटी न्यूड ले लो, उनकी न्यूड आई शेडो पैलेट ले लो, उनकी सिर्फ उनकी दो बहुत अच्छी पैलेट आई थी, एक डेजर्ट रोज़ और एक रीमास्टर्ड रोज़ गोल्ड पैलेट, जिसमें कि बहुत अच्छा ब्राइडल शेड के कलर्स हैं, उसमें ब्लैक भी है, रेड मिल जाता है। उसके अलावा इनकी सारी ना इसी टाइप की हैं। तो हुडा ब्यूटी अगर आप मेरा ये वीडियो शायद देखो या ना देखो, आई डोंट नो, अगर आप देखोगे तो प्लीज़ ऐसी आई शेडो पैलेट निकालो जिसमें कि कुछ अलग कलर्स हों, जैसे कि ब्लूज़ हों, पर्पल्स हों, ब्राइडल शेड्स हों, जैसे कि मॉव हो गया, पर्पल हो गया, रेड हो गया, हॉट पिंक हो गया, इस टाइप की भी कुछ आप पैलेट्स निकालो प्लीज़। हर बार आप सेम फैमिली बना देते हो थोड़ा इधर उधर करके, बस वाइन शेड होता है ज़्यादातर सब में, ऑरेंज न्यूड ही होते हैं। तो मैं चाहती हूँ हुडा ब्यूटी एक अच्छी पैलेट निकाले, जैसे कि मॉर्फी की पैलेट्स हैं उस टाइप की, या छोटू में ही निकालें लेकिन खूब अच्छे अच्छे शेड्स हों उसमें, वर्सटाइल कलर्स हों। थोड़ा लंबा हो गया, मुझे मिली है 28 या 2900 में ओनली, आई एम सो हैप्पी। तो नेक्स्ट अब फिर है मेरे पास एक बड़ा बॉक्स नाइका का, अब देखते हैं चलिए कि इसमें क्या क्या है। ओके, सबसे पहले इसमें निकले हैं मेबलिन के दो प्रोडक्ट्स, एक तो है मेबलिन न्यूयॉर्क कोलोसल बोर्ड लाइनर, लास्ट अप टू 24 आवर्स, ये पता है डिस्काउंट के बाद 120 या 130 में मिल रहा था, मैंने एक बैकअप कर लिया, मैं इसके बहुत सारे हैं मेरे पास, मैं हमेशा खुद भी लगाती हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी लगाती हूँ पार्टी मेकअप के लिए, एंड दिस इज द बेस्ट आई लाइनर, लॉन्ग लास्टिंग ब्लैक आई लाइनर, मैंने आज यही लगा के रखा हुआ है। नेक्स्ट मेरा एक और ये छोटू सा प्रोडक्ट, ये मेरा फेवरेट है, मैं इसकी भी बहुत बॉटल यूज़ कर चुकी हूँ, ये है मेबलिन का आई लिप मेकअप रिमूवर, तो ये मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगा के रखती हूँ। गाइस ये वाला भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये ना मेरी बहुत सेंसिटिव आइज़ हैं, ये मेरी आइज़ को इरिटेट करता है, इसलिए मैं अपने आई मेकअप के लिए हमेशा इसको ही यूज़ करती हूँ, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता मेरी आइज़ को, इसलिए मैं इसको मंगाती हूँ। 150 रुपीज़ का है, कोई डिस्काउंट नहीं मिला इस पर मुझे, और यस एक मैंने ये मंगाया। नेक्स्ट इसमें निकला है ये बड़ा बॉटल, तभी मैं सोची थी ये डब्बा इतना भारी क्यों है, क्योंकि इसमें 1 किलो का ये जो है, ये मैंने मंगाया अपने बेटे के लिए, प्योर्स का नेचुरल नरिशिंग कोकोनट वाटर बॉडी वॉश 100% सोप फ्री, तो ये वो यूज़ करता है एज अ बॉडी वॉश, उसको इसका मैं हमेशा नॉर्मल वाला वेरियंट ही मंगाती थी, जो एक नॉर्मल उनका होता ना वो ब्राउन वाला, बट इस बार मैंने सोचा थोड़ा चेंज करूँ, इनका पोमेग्रेनेट भी आया है और ये वाला भी लॉन्च था, तो मैंने कहा थोड़ा अलग मंगा के दे दूँ उसको। नेक्स्ट मैंने एक लैक्मे का प्रोडक्ट मंगाया है, गाइस लैक्मे भी बहुत अच्छी ब्रांड है, पर मैं उसको अपने प्रोफेशनल यूज़ में नहीं यूज़ करती हूँ, प्रोफेशनली मैं दूसरी ब्रांड ही यूज़ करती हूँ, बट मैं उनकी लिपस्टिक्स, उनके आईलाइनर्स, उनके ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, उसकी ल्यूमी क्रीम बहुत अच्छी है और मैं आजकल यूज़ भी कर रही हूँ, पर मेरे पास अभी थी इसलिए मैंने नहीं मंगाई। तो ये है न्यू ग्लिटरी आईलाइनर्स लॉन्च हुए थे लैक्मे के, काफ़ी प्राइसियर है यार, इससे कम रेंज में मुझे स्विस ब्यूटी और भी कंपनीज दे रहे हैं, बहुत 200-200 रुपए में मिल जाते हैं उनके ग्लिटर आईलाइनर्स, इनसाइड कॉस्मेटिक्स, स्विस ब्यूटी मार्ट, सब जगह आपको ग्लिटर आईलाइनर्स लिक्विड वाले मिल जाएंगे। ये महंगा है थोड़ा, ये 400 या 500 का है, लैक्मे ग्लिटरेटी
ग्लिटर रेटी नाम है इसका, और मेरा शेड है इसमें केयरिंग ब्लू। बट हमने सोचा क्यों ना एक ट्राई कर लेते हैं, महंगा लगा मुझे पर मैंने मंगा लिया। लैक्मे का ना एक बचपन का अटैचमेंट है यार, प्रोडक्ट्स मंगाओ और कुछ लैक्मे का ना मंगाओ तो मुझे लगता है वो नाराज़ हो जाएगा लैक्मे। सच कह रही हूँ, क्योंकि बचपन से सिर्फ लैक्मे का ही नाम सुना था जब हम छोटे थे। तो ये है इसका शेड, मुझे तो बहुत ज़्यादा ग्लिटरी भी नहीं लग रहा है यार, कलर तो बहुत प्यारा है पर ग्लिटर्स तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। इससे अच्छा मेरे पास इनसाइड कॉस्मेटिक्स का है या आई थिंक स्विस ब्यूटी का है, बहुत प्यारा है वो। एक बार और ट्राई करती हूँ उसको शेक करके, लेट मी शेक इट फर्स्ट। वो पे ऑफ नहीं दे रहा है जो देना चाहिए, काफ़ी लाइट है। आई थिंक इस पर 3-4 कोट करेंगे। अच्छा इसमें ओके, इस थोड़ा सा गोल्डन आ रहा है शिमर, हल्का सा गोल्डन शिमर है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा है। मेरे हाथ में ऑलरेडी इतने सारे शिमर्स लगे हैं, पर डबल कोट करने पे थोड़ा सा कलर पे ऑफ दिखा मुझे ज़्यादा, बट मुझे ये बहुत अच्छा तो नहीं लगा। मैं अपने आईलेट पे लगाऊंगी तब देखूंगी, अभी तो मैंने ब्लैक यूज़ किया हुआ है तो मैं नहीं ट्राई कर रही हूँ। बट ये मुझे प्राइस पॉइंट थोड़ा महंगा भी लग रहा है, क्योंकि इससे सस्ते में इससे अच्छे मिल रहे हैं बहुत सारे ब्रांड्स में, तो डू चेक दैट ऑल्सो। इस डब्बे का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो ये है, नाइका स्किन पोशन 24 कैरेट गोल्ड फेशियल ऑयल। तो गाइज़ मैं बिफोर मेकअप अपने क्लाइंट्स पर भी एक सिरम या ऑयल यूज़ करती हूँ, तो अभी तक मैं नाइका का ही यूज़ करी थी, मेरा ख़त्म होने वाला था, मैंने सोचा इस बार मैं 24 कैरेट वाला ये मंगा लूँ गोल्ड वाला। तो इसकी आउटर पैकेजिंग कार्डबोर्ड बिल्कुल गोल्डन गोल्डन है, और इसको ओपन करने के बाद हमें मिल जाता है ये इस तरीके से। वाव कितनी सुंदर प्रिटी बॉटल है गोल्डन, और एक ये ड्रॉपर एंड सम ये बुकलेट है जिसमें आप रीड कर सकते हो इसके बारे में। और तो काफ़ी मशक्कत के बाद उसके अंदर वो डॉट था ना वो खुला है। स्मेल तो तेल जैसी आ रही है यार, पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं। ये ड्रॉपर मैंने फिट कर लिया है, अब मैं देखती हूँ इसका टेक्स्चर। तो ओके ओके, इसमें गोल्ड रिफ्लेक्ट्स तो नहीं दिख रहे हैं मुझे एक भी। स्मेल तो बहुत अच्छी नहीं लग रही है, ये मतलब ठीक ही है, तेल जैसी है, थोड़ा सा थिक है ये। अब मैं यूज़ करूँगी तब मैं देखूँगी। ओके तो इस बॉक्स में मेरे पास हैं प्रोडक्ट्स प्लम के, तो ये दो प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हैं प्लम के। एक है प्लम बॉडी मिस्ट वेनिला वाइब्स, इसके बारे में भी बहुत लोग बात करते हैं, मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूं। दिस इज़ द बॉडी मिस्ट, और वेनिला फ्लेवर मेरा भी बहुत पसंदीदा है, लाइक मेरा फेवरेट है। वाओ बहुत अच्छी स्मेल है, ऊपर लगाते हैं कि नहीं बॉडी मिस्ट को, बॉडी पे ही लगाते हैं आई थिंक, बट स्मेलिंग सो गुड। दूसरा मैंने मंगाया है प्लम का बॉडी लविन वनीला कैरामेलो बॉडी लोशन। विंटर्स हैं, बॉडी लोशन की ज़रूरत है, उसमें वनीला फ्लेवर है जो कि मेरा फेवरेट है, इसलिए मैंने मंगा लिया। मैं इसको ओपन नहीं करूँगी, मेरे पास अभी बहुत सारे यूज़ हो रहे हैं। मेरे पास आई थिंक बाथ एंड बॉडी का है एक, और सॉरी मेरे पास बॉडी केयर का है, नो आई डोंट नो, बाथ एंड बॉडी ही है शायद। और है मेरा निविया का चल रहा है, पॉन्स का चल रहा है, पहले वो ख़त्म करूँगी तभी मैं इसको खोलूँगी, इसलिए मैं अभी खोल नहीं रही हूँ उसको। तो ये दोनों सामान लेने पे मुझे कुछ फ्री भी मिला है, डिस्काउंट भी मिला है, कुछ फ्री मिला है। ये वाला इसमें है फोमो ऑफ मिस्टिंग बॉडी लविन मिस्ट है, ओके ये वनीला हवाइन रुम्बा एंड ट्रिपिन मोमोसा, ये तीन इसमें छोटू बॉटल्स मिले हैं फॉर ट्रायल पर्पज़। ओके अच्छा किया इन्होंने ये दे दिया, तो मैं अगली बार कोई दूसरा मंगा लूँगी वेरिएंट। वो बॉटल हैं बॉडी मिस्ट के सैम्पल्स हैं, सैम्पल साइज ये तीन। ऐसे दो छोटू बॉक्स मेरे पास जो बचे हैं उनमें क्या क्या है, ये वीडियो लंबा हो गया है बट आप एंड तक देखना ज़रूर, हाँ बीच में मत छोड़ना, एंड ज़रूर लाइक कर देना मेरी वीडियो को। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को प्लीज़। ओके तो इसमें निकले हैं मेरे पास, हाँ मैं कह रही थी ना मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक्स के लिप लाइनर ऑर्डर किए हैं, ये दो वाले दो लिप लाइनर। यार ये इतने सस्ते हैं और रिट्रैक्टेबल पेंसिल के साथ हैं,
लेकिन मेरा इतना हार्ड लग था, सिर्फ दो ही शेड्स अवेलेबल थे, बाकी सारे आउट ऑफ स्टॉक थे, और ट्रस्ट मी बहुत सारे शेड्स, बहुत सारे। मैंने बहुत आंखें लड़ाई अपनी, बहुत कोशिश की, इस बॉक्स में कोई शेड का नाम नहीं है, बट इसमें ज़रूर है 07 नो कैप इसका नाम है। थक गई मैं, और मैं आपको इनके स्वॉचेस दिखाती हूँ, बड़ी बहुत अच्छे हैं और बहुत सस्ते हैं। इनका MRP है 70 रुपीज़, लेकिन ये शायद 50-50 का मिल रहा था। बहुत ही प्यारे, सबसे बड़ी बात ये रिट्रैक्टेबल पेंसिल्स हैं, और माय गुडनेस कितनी अच्छी से ग्लाइड हो रही है यार ये तो। लुक एट द शेड, कितना प्यारा है, बहुत ही प्यारा शेड है यार। मैं बहुत कंजूस हूँ, मैं बहुत थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ कि मेरी ये ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, बड़ा लगा दूँ थोड़ा। बहुत प्यारा शेड है ये, 07 है। ये वाला भी न्यूड में ही है, समथिंग ऑलमोस्ट मैच हो रहे हैं, एक पिंक की तरफ है, एक थोड़ा सा कोरल की तरफ है। ये वाला दूसरा वाला शेड है 07, इसका नंबर मुझे पता नहीं है। ये पिंक में है, ये कोरल में है, लेकिन बहुत प्यारे हैं। आप इनसे ना सिर्फ आउटलाइन ही मत करो, पूरा लिप को भी फिल करो, और फिर कोई ग्लॉस डाल दो या ऐसे भी रख लो, बहुत प्यारे हैं ये। बहुत स्मूथली ग्लाइड हो रहे हैं लाइक बटर। अब आ गए हैं हम अपने आखिरी बॉक्स में, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। तो आपने देखा होगा मैंने स्किन केयर के प्रोडक्ट बहुत कम मंगाए, मुझे ज़रा ज़रूरत नहीं होती है, बट मतलब मैं यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा, मेरा बहुत सिंपल रूटीन है, मैं वही फॉलो करती हूँ, और कुछ चीज़ें मंगा लेती हूँ कभी कभी वीडियोस को देख दाख के। इस वाले डब्बे में ज़रूर मेरा कोई ना कोई स्किन का प्रोडक्ट निकलेगा, क्योंकि अभी तो सब मेकअप ही मेकअप निकले हैं, जिसमें ये दो ही बॉक्सेस निकले हैं। बस देखते हैं क्या है, खोल लेती हूँ मैं तब आती हूँ। वो है द स्कीरो PH प्ले लिप एंड चीक ऑयल, रोजिप ऑयल प्लस मोरिंगा ऑयल प्लस एवोकाडो ऑयल। तो ये भी मैं इंस्टाग्राम पे जब भी मैं स्क्रॉल करती हूँ स्क्रीन तो मुझे दिख जाता है बार बार। तो ये ना एक लिप ऑयल है, और इसकी बहुत तारीफ़ भी हो रही थी, के ब्यूटी के लिप ऑयल की इतनी तारीफ़ नहीं हुई, मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर में देखिए काफ़ी लाइट भी हो गया, लाइक आई डोंट थिंक कि वो फुल डे का आपको हाइड्रेशन देने वाला है, आपको रीटच करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो इसके बारे में बहुत अच्छी बातें हो रही थी कि ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, और ये pH लेवल, मतलब आपके pH लेवल के अकॉर्डिंग आपको ये कलर प्रोवाइड कर देता है टिंट। वैसे तो ये ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हो एकदम, लेकिन जब भी हम इसको लगाएंगे तो जो भी हमारा pH लेवल है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे लिप के कलर को चेंज कर देगा, या चीक पे भी। ओह काफ़ी बड़ा वॉन्ड है, बहुत मुश्किल से निकल रहा है बाहर। तो अभी मैंने जब ये लगाया तो ये ट्रांसपेरेंट है, और अब देखते हैं इसका क्या होता है इफ़ेक्ट। स्मेलिंग सो गुड, स्मेल बहुत अच्छी है, एंड यस इसने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, आप देख रहे हो हल्का सा पिंक हो गया है ये। तो जो भी आपका pH लेवल होगा उस अकॉर्डिंग ये अपना कलर चेंज करेगा, हो सकता है किसी के स्किन पे ये ज़्यादा पिंक हो जाए और किसी पे ये कम पिंक हो। पिंक हो गया, अब आप देखो ना कलर चेंज हो गया, काफ़ी ज़्यादा आपको हाइड्रेशन देने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, नो पैराबेंस, वीटा सर्टिफाइड, 100% वीगन, नो टॉक्सिन्स। तो गाइज ये है डॉट एंड की का स्किन केयर सेरेमाइड्स प्लस हाइलोरोनिक स्किन बैरियर रिपेयर फेस क्रीम। तो क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई रहती है ना, तो मैं हमेशा नायका पर डालती हूँ मॉइस्चराइज़र फॉर वेरी वेरी ड्राई स्किन। तो ये ऊपर लिख के आ गया, और मैंने काफ़ी लोगों से भी सुना था कि ये बहुत अच्छा है फॉर ड्राई स्किन पर्सन्स, तो मैंने इसको एक मंगाया पहला ट्राई देने के लिए। इससे पहले मैंने हमेशा बताया भी, और मैं हमेशा अभी तक मैं वही यूज़ कर रही हूँ, VLCC का हानी मॉइस्चराइज़र, मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है। मे बी औरों की स्किन पर ना करता हूँ, पर मेरी स्किन पर बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए मैं हमेशा वही मंगाती हूँ। तो मैं इसको ट्राई करना चाहती थी कि मैं देखूँ, कुछ चेंज करना चाहता है इंसान ना, एक ही चीज़ लगा के बोर हो जाता है। वैसे तो मैं उसकी अभी भी रिकमेंडेशन करती हूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं कुछ और भी ट्राई करूँ, तो मैंने ये मंगाया है। और अब मुझे देखना है ये कितना ज़्यादा हाइड्रेशन देता है। स्मेल नहीं है इसमें कोई, और थोड़ा जेल फॉर्म में है ये, एंड स्किन में पेनिट्रेट हो गया अच्छे से। इसको भी मैं ट्राई करूँगी तभी मैं बता सकती हूँ, लोगों ने तो तारीफ बहुत की है, मैं खुद अपने स्किन में भी ट्राई करूँ फिर बताऊँ, क्योंकि यार सबकी स्किन अलग अलग टाइप की होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और प्रोडक्ट जो रह गया था मेरे पास, वो है लॉरियल पेरिस का रीवाइटलिफ्ट हाइलोरोनिक एसिड प्लम्पिंग क्रीम, डे क्रीम है ये। तो इसकी भी मैंने बहुत बातें सुनी, और डे के लिए भी विंटर्स में कुछ क्रीम्स चाहिए रहती हैं जो कि
ड्राई स्किन के लिए हूँ, तो मैंने ये मंगाई है और इसको तो मैंने कई लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुना है। ये रेंज जो इनकी है ना, इसका और भी चीज़ें हैं लाइक हाइलोरोनिक एसिड और भी चीज़ें हैं, वो सब बहुत अच्छी हैं। आई रोल ऑन एक आई क्रीम आई है इनकी या आई सिरम है, आई डोंट नो। ये छोटू सा टब है और इसमें भी तीन साइजेस मिलते हैं। प्राइस मुझे याद नहीं है कितने का मिला। मैंने एक ये भी एक ट्रायल के लिए छोटू पैक मंगाया है, सबसे ज़्यादा छोटा वाला साइज ही मंगाया है। पहले मैं ट्राई करूँगी, अच्छा होगा तो मैं आगे और मंगा लूँगी, क्योंकि मैं ड्राई स्किन पर्सन हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं जो मेरे स्किन पर अच्छे से काम करें। और इसमें भी जेल, स्टब में भी जेल जैसा ही है और इधर लगाती हूँ। ओके, ये भी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। ये मुझे क्लिनिक मॉइस्चर सर्च की याद दिला रहा है, क्लिनिक मॉइस्चर सर्च। स्मेल सेम है जो इनके लॉरियल के सारे प्रोडक्ट्स में यही आती है। और ये डे क्रीम है, सबसे अच्छी बात है कि डे के लिए बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेगी। कुछ ग्लो वगैरह तो नहीं दे रही है, मगर हाँ हाइड्रेशन दे रही है, मॉइस्चराइज़ कर रही है स्किन को। तो ये भी मैं यूज़ करूँगी, फिर मैं बताऊँगी। तो यार गाइस, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। लाइक इतने ही प्रोडक्ट्स, इतने सारे प्रोडक्ट्स थे मेरे पास, इतने ही नहीं थे, बहुत सारे थे और आप ज़रूर थक गए होंगे मेरा वीडियो देखते देखते। और ट्रस्ट मी, बहुत सारी चीज़ें मैंने ना वही चीज़ें मंगाई जो मुझे ज़रूरत थी और अच्छी थी। मैंने बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं मंगाई हैं इस बार। और जो मेरे शो स्टार, मतलब शो के जो स्टार्स हैं, क्या कहना चाहिए, स्टार ऑफ द शो हैं जो मेरे, वो तीन प्रोडक्ट्स हैं। एक तो ये ग्लिटर बॉम, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी आईज़ पे ये बहुत अच्छे से सेट हो गया, बिल्कुल भी फ्लेकी नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी क्रीजेज नहीं दे रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ट्रस्ट मी। दूसरा है ये मस्कारा, वाओ लुक एट माय लैशेज, वाओ आई एम सो लविंग देम। लाइक अभी ना एज के साथ साथ मेरी लैशेज एकदम कम हो गई हैं, लेकिन इन्होंने इस मस्कारे ने फिर से इनको बड़ा कर दिया, आप देखो। और तीसरा जो मेरा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट इन सारी चीज़ों में है, वो है लिप लाइनर्स। और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगे, वैसे तो मेरे सारे ही फेवरेट हैं क्योंकि मैंने खुद मंगाए। हाँ, एक और दोनों पैलेट मेरी आई शेडो पैलेट्स भी मुझे बहुत पसंद आई। आपको क्या अच्छा लगा मेरे फुल वीडियो में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर आप वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल किसी भी ब्रांड का देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर बनाऊंगी। मैंने बहुत दिन से नहीं किया वन ब्रांड वाला मेकअप ट्यूटोरियल, मैंने इतने सारे बनाए थे 21-22 और मेरा मन कर रहा है बनाने का। तो आप मुझे रिकमेंड करो कि मैं किस ब्रांड का बनाऊँ। अब कोशिश करना थोड़े सस्ते वाले ब्रांड का ही बोलना यार, क्योंकि महंगे प्रोडक्ट्स लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। सो या चलती हूँ मैं अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो कम्स। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और कुछ कमेंट ज़रूर करिएगा और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो चलती हूँ मैं, बाय बाय।